गई धनतेरस, बाजार में हुई खूब खरीदारी। जी हाँ, यूपी के जनपद कासगंज और अमापुर कस्बा में दो दिन मनाई गई धनतेरस। दूसरे दिन शुक्रवार को धनतेरस पर बाजार में दिन भर रौनक रही। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। फूल माला, मूर्ति, बर्तन और सोने चांदी के सामानों की खूब बिक्री हुई। चार दिवसीय दीपोत्सव पर्व पर धनतेरस के दिन शुक्रवार को बाजार में खूब धन वर्षा हुई। दीपावली में खरीदारी के लिए लोग सुबह से देर शाम तक बाजारों में ही जमे रहे। बाजार सजे धजे नजर आए। खासकर महिलाओं ने बर्तनों की खूब खरीदारी की। धनतेरस पर चांदी और सोने के सिक्कों की भी खासी मांग रही। बर्तन सराफा, मूर्तियों आदि की दुकानें खचाखच भरी रही। अपने सामर्थ्य के अनुसार हर लोगों ने किसी न किसी वस्तु की खरीदारी की। त्योहार को देखते हुए दुकानदारों ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। धनतेरस के दिन सुबह से ही खरीदारी शुरू हो गई। बारहदारी, कॉलेज रोड, सहावर रोड, ददवारा, गुड़मंडी, सराफा बाजार, एटा रोड, तिराहा, सिरपुरा रोड बाजारों में काफी चहल पहल और भीड़ भर रही। शुक्रवार को धनतेरस को देखते हुए बाजारों में काफी चहल पहल रही। कस्बे में हर छोटी बड़ी बर्तन, मूर्ति व आभूषणों की दुकानों पर भीड़ देखकर कारोबारी काफी व्यस्त दिखे। लोगों ने धनतेरस पर जमकर खरीदारी की। बाजार में सबसे अधिक बिक्री बर्तनों की रही। वहीं दूसरे नंबर पर सराफा व्यवसाय दिखा। बर्तनों में जहां अधिकांश लोगों ने अपने अपने जरूरत के हिसाब से कुकर, टिफिन, बाल्टी, ग्लास, लोटा, चम्मच, डिनर सेट, टी सेट, भगोना, ड्रम खरीदा। छोटे बर्तनों में सर्वाधिक बिक्री पीतल की पूजा के सामग्रियों की रही। लोगों ने दीपदान, लोटिया, घंटी, चम्मच आदि की खरीदारी की। बर्तन व्यवसायी केशव देव गुप्ता, सुनील गुप्ता, नारायण साहू ने बताया कि धनतेरस पर बाजार ठीक रहा। सराफा व्यवसायी आकाश गुप्ता सराफा ने बताया कि धनतेरस पर चांदी के सिक्के, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, गिन्नी, नेकलेस, झुमका की बिक्री सर्वाधिक रही। वहीं दीपावली पर्व के लिए बाजार में खिल बतासे, खिलौना, झाड़ू, मूर्तियां, पूजा का सामान, मोमबत्ती, कपड़ा, पटाखे, झालर, कैलेंडर आदि की जमकर खरीदारी की गई। बाजारों में भीड़ उमड़ने से जाम की हालत बनी रही। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। आज धनतेरस तो कैसी बिक्री वगैरह? मतलब धनतेरस के देखे हुए बिक्री ढीली है, फिर भी हर साल की अपेक्षा ढीला है। मार्केट बहुत ही ढीला है।